हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फिफ्थ एपिसोड जो कि हमारी एक बहुत ब्यूटीफुल सीरीज चल रही है जिसका नाम है खुशी के पल। उसका आज फिफ्थ एपिसोड है। आज से पहले चार एपिसोड हमने डिलीवर किए हैं आप सभी लोगों को, जिनका डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग था। पहला ब्लैक था, रेड था, येलो था, ब्लू था, और आज आप मेरी टी शर्ट देख के पहचान सकते हैं कि आज जो हमारा थीम है दैट इज वाइट। इससे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करूं, मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को, अपने पैनलिस्ट को मिलवा देना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि अगले 10 लोग किन से आप बात करने वाले हो। ठीक है, तो फटाफट जंप करते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। तो पैनलिस्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट है हीना, सेकंड है मनीषा सिंह, थर्ड है सीतू, फोर्थ है डिजिटल नाजिया, फिर निरुपमा है, प्रकृति आनंद है, चंचल सोनी है, ज्योति सोनी है, और अलका ठाकुर है, और शालिनी तिवारी हैं। ये हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, पैनलिस्ट हैं, जो कि आपके सामने अपनी कुछ विंस शेयर करने वाले हैं, कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं कि कैसे उनको लग रहा है अभी TLF थिएटर्स में काम करके, और क्या ये खुश हैं कि नहीं। और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये हमारी गीता है आज के लिए, ठीक है? तो क्योंकि किसी को ये ना लगे स्क्रिप्टेड है, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं करना चाहते। जो एक्चुअल आपके मन में फीलिंग्स हैं, चीज़ें हैं, लेके अच्छी हैं तो अच्छी, बुरी हैं तो बुरी, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सो फटाफट चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसे अमेजिंग टेस्टिमोनियल वाली चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो दैट जहाँ पर जिस पे आपका दिमाग खुलेगा कि यार अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं क्या। मतलब बहुत सारे लोग जब हमारी वीडियोस को देखते हैं ना, उनका दिमाग में बल्ब ऑन होता है, अरे ऐसे भी हो सकता है ये बिजनेस, हम तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचते थे, या फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे भी निकल सकता है। लोगों को एक डिफरेंट आइडिया वे मिलता है। तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, और पहले मैं अपने आपको स्पॉटलाइट लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट आज के जो हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट हैं हम उनको इन्वाइट करते हैं फटाफट, जिनका नाम है प्रकृति आनंद। तो एक सेकेंड रुकिए जी, बताइए प्रकृति कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी चीजें शेयर करिए। हेलो सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। एंड अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे TLF के साथ काम करते हुए। पहले थोड़ा सा मैं अपनी इंट्रो से स्टार्ट करती हूँ। मैं बेसिकली पटना बिहार से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम प्रकृति आनंद ऑफिशियल है। एंड ये जर्नी मैंने 3-4 महीने पहले स्टार्ट की थी, तो अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे TLF के साथ काम करते हुए। एंड अगर कुछ आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ सर। बिल्कुल, मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि जैसे आप TLF थिएटर्स के पार्ट है और यहाँ पे 10 PM के सेशन होते हैं, मतलब रात को सेशन होते हैं, तो आपको कभी जो सराउंडिंग्स हैं, मतलब एनवायरमेंट है हमारे TLF थिएटर्स के काम करने का, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों काम कर रहे हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों हैं, तो आपको कभी इस टाइप का इशू तो नहीं लगा कि यार कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो रही हैं, या फिर कुछ सिक्योरिटी टाइप कुछ ऐसा कुछ आपको लगा है कभी यहाँ पे काम करके? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 PM का सेशन जो है वो बेस्ट सेशन मैं कहूंगी, एंड आपके कोई भी डाउट है तो वहां पे आप क्लियर हो जाते हैं। मेंटोर जितने भी मेंटोर्स को आप यूट्यूब पे देख रहे हो, व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगी, वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। 1-to-1 पर्सनली आप बात कर सकते हो। एक थोड़ा सा कंपेयर भी मैं करूंगी कि अदर जो टीम्स होती है वहां पे क्या होता है कि अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया जाता जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको। तो वहां पे क्या होता है कि सामने सिर्फ पर्सन बोल रहा है एंड आप सुन रहे हो, आपकी मजबूरी है कि आप उसको सुनना ही है। बट आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास जो डाउट है, वो आप कब सॉर्ट आउट करोगे? तो यहाँ पे 10 PM का जो सेशन है, जो मेन सेशन है TLF का, तो उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि वहाँ पे आप सारे डाउट जो है वो 1 by 1 आप क्लियर कर सकते हो सारे मेंटोर से। इन सबके पास कुछ ना कुछ अपनी एक यूनिक स्किल्स है, तो आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो। तो ये एक बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और टीम मीटिंग की बात करूं मैं, एंड अगर मैं बात करूँ जो भी लर्निंग्स है यहाँ से क्या मुझे सीखने को मिला, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी। कुछ व्यूअर्स जरूर मेरे से कनेक्ट करेंगे क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो बड़ी सिमिलर रही है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की रहती है। गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन हो गया या फिर नॉर्मल रेलवे SSC, ये सब मैंने काफी देखा है, तो ये इन सब से मैं गुजरी हूँ, तो शायद वो सब मुझसे रिलेट करें खुद को। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप उस जर्नी में फंसे हुए हो, लाइक आप भी तैयारी कर रहे हो बट आपका नहीं हो रहा है लेकिन आप फिर भी लगे हुए हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने क्विट करके कुछ और एक्सप्लोर किया है, वैसे आप भी ट्राई कर सकते हो। एक एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म आप अपने लिए चूज कर सकते हो। सारी चीजें आप देखो कि क्या आपके अंदर पे क्वालिटीज है एंड क्या सिमिलर चीजें हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ थोड़ा सा, तो जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रिपरेशन का भी मेरा रहा है एंड उसके बाद मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन उसका भी मेरा रहा है, INC का एंट्रेंस एग्जाम, तो काफी मतलब ओवरऑल एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। रहता था कि पब्लिक स्पीकिंग में जाऊँ,
लीडरशिप कुछ क्वालिटीज हो, फिर ऑरेटर बनूं, कुछ इस तरह का मेरा एक रहता था, मिक्स सा कुछ रहता था। एंड होता है ना कि पब्लिक पीपल मैनेजमेंट, ये सब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता था। तो पिछली जितनी भी तैयारी थी उन सब में मैं ये सब सोचती तो रहती थी, बट फाइनली जाके जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, जब ये मेरे को मिला तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद यहीं पे आना था, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल वो सारी चीजें हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, आप यहाँ पे लीडर बनते हो, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप सीखते हो, एंड आपको टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, ये सब भी आपको सीखने को मिलता है। ऑब्जर्वेशन पावर अगर आपकी अच्छी है तो वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करती है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज मुझे मिला, एंड फाइनली यहाँ पे मैं अब खुश हूँ, एंड आगे काम को कंटिन्यू कर रही हूँ। डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती है तो मैं उसको देख रही हूँ, सीख रही हूँ, एंड मेंटोर्स का भी सपोर्ट रहता है। आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगी, देखो जब मैं ज्वाइन कर रही थी तो मेरे मन में भी यही था कि जो चीजें यूट्यूब पे ये लोग बोल रहे हैं, सारे मेंटोर्स को मैंने भी आपकी तरफ फॉलो किया, तो ये लोग जो भी चीजें बोल रहे हैं क्या वो रियल में देते हैं या नहीं देते। तो जब मैं टीम पे आई तो तब मुझे जाके पता चला, वैसे मैंने डायरेक्ट 2CC से स्टार्ट किया, बट आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी की तरफ से ये फैसिलिटी है प्रिफर्ड कस्टमर की। तो 5,000 से स्टार्ट करके टीम पे आके, अंदर पे आके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि क्या चीजें रियल में प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है, मेंटर्स का सपोर्ट रहता है या नहीं रहता है, ऑटोमेशन की हम बात करते हैं वो रहता है या नहीं रहता है, टीम में जो ट्रेनिंग सिस्टम की हम बात करते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है या नहीं, डेली बेसिस पे 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलता है या नहीं, ये सब आप टीम के अंदर पे आके सीख सकते हो। एंड जो एक अदर टीम से कंपेयर करूंगी, थोड़ा सा रिटेलिंग वाला पार्ट उनका मिसिंग रहता है, तो वो चीजें भी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। केवल रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं रहता, रिटेलिंग पे भी रहता है। तो ओवरऑल एक नाइस एक्सपीरियंस है, एंड मैं काफी इंजॉय कर रही हूँ। एंड शुभम सर के चैनल पे आने के लिए भी काफी ज्यादा वेट किया है मैंने, इससे पहले भी 2-3 सीरीज में मैंने ट्राई किया है, बट फाइनली अभी मुझे जाके सर के चैनल पे आने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच सर, एंड चलिए, आप बहुत बढ़िया। कोई तो फर्दर क्वेश्चन? ये थी प्रकृति आनंद, जिनका एक ड्रीम था कि वो पीपल मैनेजमेंट करें, है ना, पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाएं, एक लीडर बने। क्योंकि देखिए, ये जो बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, और अभी का जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला मास मीडिया, इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास मीडिया कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो चीज़ें सीख रहे हैं, वो सिर्फ सीखते हैं, उनकी पढ़ाई करते हैं, और मैं वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ कि पीपल मैनेजमेंट कैसे करना है, आज 10 लोगों की टीम बन गई, उनके डाउनलाइंस को कैसे समझाना है, क्या करना है, ट्रेनिंग्स कैसे करनी है, पूरा पूरा सिस्टम सेटअप कैसे करना है, पूरा सिस्टम डिजाइन कैसे करना है, हाउ टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, स्पीकर कैसे बनना है आपको, एक अच्छा मेंटोर कैसे बनना है आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। इसलिए ऐसा बोलते हैं इस बिजनेस को, आप अगर MBA करना चाहते हो तो MBA मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग 2 साल कर लो, मैं सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल MBA आप कर लोगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख के। तो ये थी प्रकृति आनंद, जो कि पहले गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रही थी, बट फाइनली इनको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, आज ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, अर्निंग भी कर रही हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी सेटअप कर रही हैं, और जो इनके एक्चुअल सपने थे कि ये भीड़ से हटके कुछ काम करना चाहते हैं, लोगों के सामने आना चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म इनको मिला है। और प्रकृति आनंद ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, अगर आप बिहार पटना के आसपास से कहीं से हैं आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इनसे कनेक्ट करके आप अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, या फिर आपकी कोई भी अगर आपको लगता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, तो आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रकृति आनंद, थैंक यू सो मच।